नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। टीकमगढ़ शहर की नगरपालिका की स्थिति सीएमओ श्रीमती रीता कैलाशिया की अनुपस्थिति के चलते खराब नजर आ रही है। बता दें कि जब से नगरपालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने तब से नगरपालिका सीएमओ श्रीमती रीता कैलाशिया लंबी छुट्टी पर है, जिसके चलते नगरपालिका की स्थिति बेहद खराब है। शहर के साफ सफाई हाँ भी भाई, आज आप लोग यहाँ आए हैं पूरी पार्षद के साथ कलेक्टर टीकमगढ़ से मिलने, क्या कारण है, क्यों अचानक पार्षदों को और अध्यक्ष को कलेक्टर के पास? मीडिया को और शहर के सम्माननीय नागरिकों को ये पूर्व से अवगत है कि नगरपालिका परिषद के गठन को 2 माह से अधिक का समय हो गया है। दशहरा पर्व में ताजिया चहलम के समय शहर के अंदर अव्यवस्था रही। कई बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय से हमारे चेयरमैन ने लिखित में और मौखिक में रिक्वेस्ट किया और समस्त परिषद ने किया कि जनहित के कामों को, लोकहित के कामों को सर्वोपरि मानते हुए आप इनमें पूरी दिलचस्पी दिखाएं, ताकि नगर की जनता स्वच्छता को लेकर परेशान ना हो, स्वच्छ पेयजल को लेकर परेशान ना हो, शहर की लाइट व्यवस्था को लेकर परेशान ना हो, आवारा मवेशियों की परेशानी को लेकर परेशान ना हो। तमाम मुद्दे ऐसे थे जो रोज दो चार होती यहाँ की जनता, लेकिन माननीय मुख्य नगरपालिका अधिकारी का जो के साथ कलेक्टर साहब के पास गई थी, क्या है मामला? जी, मामला ये है कि हम लोग बहुमत से चुन के आई हुई सरकार है, कांग्रेस से हम लोग ने यहाँ नगरपालिका में अपनी जीत हासिल की है। पिछले 3 महीने से सीएमओ मैडम द्वारा बेवजह चीज़ों को और मुद्दों को टाला जा रहा है। वो सुनती नहीं है, बैठती नहीं है, कभी कोई हालचाल, उनको पता नहीं क्या एक तकलीफ चल रही है हम लोगों के यहाँ आने से। जिस तरह से भ्रष्टाचार की नगरपालिका चल रही थी, शायद वैसे ही वो चलाना चाहती है, और हम सब उनके इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। सीएमओ मैडम द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया जा रहा है, कॉपरेट नहीं किया जा रहा है। कई सारे मुद्दे आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखे, जैसे कि अभी त्यौहार का टाइम है, साफ़ सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही। आज सभी कर्मचारियों ने हम लोगों को, अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि उनकी सैलरी नहीं कर रही। वो लोग बहुत परेशान होकर आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों को लिखित में आवेदन दिए। पुराना जो लोग पूर्व में काम नहीं करते हैं, उन तक की वेतन, जो लोग यहाँ पे मास्टर कर्मी चढ़े हुए हैं रजिस्टर में और वो लोग कभी कोई काम नहीं करते, उनकी सैलरी पिछले महीने तक दे दी गई है, पर जो यहाँ का स्टाफ है जो काम करता है नगर पालिका में, उन लोगों की सैलरी रोकी हुई है। शहर की अव्यवस्था पूरा शहर देख रहा है, और सीएमओ मैडम का ये बहुत ही गलत रवैया हम लोग देख रहे हैं, और कलेक्टर साहब से हमने पहले भी इनको अवगत कराया था, और आज फिर हम लोग मिलकर आए हैं, और आज हम लिखित में समस्त पार्षदों के साथ में हम सिग्नेचर करके उनको ये आवेदन दे रहे। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर ने कहा है बिल्कुल आप लिखित के दीजिए, और मेरे पास भी कई शिकायतें आ रही है, मैं सीएमओ मैडम से बात करता हूँ, यदि मैडम बिल्कुल नौकरी करने की अपने रूप में मूड। पार्षद के साथ आप कलेक्टर साहब लोग मिलने आए, क्या है मामला? मामला एक्चुअली कलेक्टर साहब के पास हम लोगों को अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि हमारे जो भी इंजीनियर साहब, जैसे डी के चतुर्वेदी साहब हैं, जेबा मैडम हैं, और यादव का क्या नाम, विजय यादव हैं, इन लोगों को जब मैडम छुट्टी पे गई तो उनको अधीनस्थ करके गई थी कार्यभार संभालने। आज उन्हीं की बदौलत इन लोगों ने लेटर जारी किए हैं कि आप लोगों ने किस आधार पे ये गाड़ियों में काम कराए, नगर पालिका की गाड़ियाँ क्यों चालू की हमारी वगैरह उपस्थिति में। मेरी मजबूरियाँ थी और आपके सभी लोगों के सामने, क्योंकि एक पर्व है दीपावली, इसमें साफ सफाई की व्यवस्था उत्तम बनाने के लिए मैंने सारे वाहनों को जो भी खड़े हुए थे उनको सुचारू रूप से चालू करा के और यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने में पूरा और हमारे शहरवासियों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरे सीएमओ मैडम श्रीमती रीता कैलाशिया जी भोपाल गई, वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट उन्होंने किया, तो वो छुट्टी जो गई हैं, छुट्टी के बाद वो कब आ गई हैं, ऑफिस में कोई उनकी एंट्री नहीं है, घर बैठ के वो अपना आदेश जारी करने लगी और हमारे कर्मचारियों को विरुद्ध लिखने लगी। उनको 3 दिवस के लिए आर्डर भी बना दिया। अब 3 दिवस, आज तारीख हो गई 21, कल छुट्टी है, कल से 27 तारीख में ऑफिस खुलना है, वो कब देंगे जवाब? नोटिस में क्या बोला? दूसरा, हमारे जो पार्षद आज यहाँ पे सभी पार्षद खड़े हुए हैं,
इसमें अजय गाड़े जी हैं, संजू झा जी भी हैं, यहाँ अनीश खान भी हैं और हबीब गायन जी भी हैं, मोना जैन भी हैं, हरीफ भी हैं, गौरव यादव भी हैं, सोनी जी भी हैं, हमारे लाली जी भी हैं और ए अड्डू भैया हैं और राम कुमार यादव जी हैं। ये सब लोग, कोई हम लोगों का कोई मकसद नहीं था यहाँ पे कलेक्टर साहब आने के पास आने का, लेकिन जब हमको ये लगा कि हमको हमारी सारी व्यवस्थाएँ मैडम के थ्रू रोकने का प्रयास किए जा रही हैं, इस पर्व को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सब लोग हमारे साथ खड़े हो गए और सब लोगों का विचार बना कि क्यों ना अपन अपना न्याय मांगने कलेक्टर साहब के पास क्यों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।